दोस्तों, मैं हूं बंटी कोहली और आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको प्रकाश का परावर्तन नामक इस टॉपिक को बताऊंगा। दोस्तों, इसकी थ्योरी इस प्रकार है कि जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराती है तो वह टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों, इसको डायग्राम पे समझाने की कोशिश करता हूँ मैं कि ये देखिए, कोई किरण है जिसे आप अपचित किरण कहते हैं, वो आ रही है और यहाँ पर कोई ये चमकदार सतह है, इस पर पड़ने के बाद ये वापस उसी माध्यम में लौट रही है। दोस्तों, जो आने वाली किरण है उसको आपतित किरण कहते हैं और जो जाने वाली किरण है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। और दोस्तों, ये जो दोनों के बीच जो खींचा गया है इसको अभिलंब बोलते हैं। दोस्तों, इसमें जो एंगल आई होता है और जो एंगल आर वो हमेशा बराबर होता है। दोस्तों, परावर्तन के दो नियम होते हैं, वो इस प्रकार है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, जैसे मैंने कहा था कि एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर होते हैं। जो आपतित किरण है अभिलंब के साथ एंगल बनाती है उसे एंगल आई कहते हैं, और जो परावर्तित किरण है अभिलंब के साथ एंगल बनाती है उसे एंगल आर कहते हैं। दोस्तों, दूसरा नियम है इसका कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दोस्तों, इसका मतलब है कि ये देखिए, आपतित किरण आ रही है, ये परावर्तित किरण जा रही है और जो अभिलंब है ये तीनों एक ही तल में हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक फिलहाल समाप्त हुआ। कैसा लगा ये मेरा टॉपिक, मुझे कमेंट करिए और बताइए। और दोस्तों, आप फिजिक्स से रिलेटेड और भी वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।